चालाक नौकर। सोनपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और दयालु इंसान था। उसके घर में एक नौकर था, वह बहुत ही चालाक था। रमेश भगवान का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता था और भगवान का दर्शन करता था। उसके घर पर कोई भी गरीब आदमी आता तो वह उसकी मदद जरूर करता था। रमेश एक व्यापार था, वह फलों की व्यापारी करता था। वह थोड़ी सी जमीन में आम के पेड़ों का बगीचा लगाया था। एक दिन रमेश अपने बगीचे में गया। बगीचे में रमेश ने 10 आम के पेड़ लगाए थे, जिसमें से एक में फल लगा था, बाकी बचे 9 पेड़ों में फल नहीं लगा था। रमेश बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि बाकी बचे 9 पेड़ों में फल कैसे लगेगा। तभी वहां से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने आम के पेड़ में मीठे मीठे फल देखकर उनसे रहा नहीं गया और वह रमेश के पास गया और बोला, बेटा मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, क्या तुम मुझे आम के फल दे सकते हो? रमेश बहुत ही दयालु था। उसे ऋषि मुनि पर दया आई और उसने ऋषि मुनि को आम तोड़कर दे दिया। ऋषि मुनि आम को खाने लगा। खाते खाते उसकी नज़र रमेश पर पड़ी। उसने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। बाबा मैंने आम के 10 पेड़ लगाए थे, लेकिन उसमें से एक पेड़ में फल लगा है, बाकी 9 पेड़ में फल नहीं लगा है। सोच रहा हूँ उस पेड़ को ही काट दूंगा। बेटा क्या तुम हर रोज मंदिर जाते हो? हाँ बाबा जी, मैं हर रोज सुबह उठकर मंदिर जाता हूँ। बेटा जब तुम मंदिर से घर लौटते हो तो तुम्हें हर रोज एक एक बाल्टी पानी सभी पेड़ों में देना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से बाकी बचे सभी पेड़ों में फल आ जाएंगे। और हाँ, जब इस पेड़ में फल लग जाएंगे तो पहला आम का फल किसी ब्राह्मण को खिलाना। इतना कहकर ऋषि मुनि वहां से गायब हो गया। अब रमेश रोज मंदिर से लौटने के बाद सभी पेड़ों में एक एक बाल्टी पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में सभी पेड़ों में फल लग गए। अब रमेश को पहला आम का फल किसी ब्राह्मण को खिलाना था। उसने आम के फल को तोड़ा और घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने अपने नौकर से कहा, अरे रामू कहाँ हो? हाँ मालिक अभी आता हूँ। देखो तुम इस आम को काट कर रखना, मुझे ब्राह्मण को खिलाना है। मैं ब्राह्मण को लेने जा रहा हूँ, मुझे लौटने तक आम को काट देना। जी मालिक। रमेश ब्राह्मण को लेने पासी के गांव में चला गया। इधर नौकर चाकू से आम काटने लगा। आम को काटने पर उसमें से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आई। नौकर के मुँह में पानी आ गया। फिर उसने एक आम का टुकड़ा खा लिया, लेकिन एक आम के टुकड़ा से उसका मन नहीं भरा। वह एक एक करके सारा आम का टुकड़ा खा लिया। कुछ देर में रमेश ब्राह्मण को लेकर घर आया और नौकर से कहा, अरे रामू। जी मालिक, तुमने जो आम काटे हैं उसे लेकर आओ। मालिक आप एक मिनट के लिए यहाँ आइए। नौकर एक मिनट के लिए रमेश को रसोई में बुलाया और कहा, मालिक चाकू में धार नहीं था, आम कटा ही नहीं। अच्छा तो ये बात है, लाओ चाकू, मैं अभी बाहर जाकर धार लगाता हूँ। यह कहकर रमेश चाकू में धार लगाने बाहर चला गया। इधर नौकर ब्राह्मण के पास गया और बोला, पंडित जी आप यहाँ से चले जाओ, मेरा मालिक पागल है, वह ब्राह्मण को बुलाकर उसका हाथ काट देता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बाहर देख लो, वह चाकू के धार इसीलिए तेज कर रहा है। जब ब्राह्मण ने सच में रमेश को चाकू पर धार लगाते हुए देखा तो उसे नौकर की बातों पर विश्वास हो गया। फिर ब्राह्मण वहां से भागने लगा। चाकू की धार लगाकर जब रमेश अंदर आया तो उसने नौकर से पूछा, अरे रामू। जी मालिक, पंडित जी कहाँ गए? मालिक पंडित जी सारा आम चुरा कर भाग गए। जब रमेश ने यह बात सुना तो वह भी ब्राह्मण के पीछे भागने लगा। भागते भागते उसने ब्राह्मण को कहा, पंडित जी रुक जाओ, मैंने चाकू में धार लगा लिया है। ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखा तो रमेश चाकू लेकर उसके पीछे आ रहा था। ब्राह्मण बहुत डर गया और वह और तेज भागने लगा और अपने घर चला गया। इस तरह से चालाक नौकर ने चालाकी से अपने मालिक को बेवकूफ बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ब्राह्मण, बकरी और 3 ठग।
किसी गांव में पंडित दीनदयाल नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। पंडित जी को आसपास के सभी गांव से लोग अपने घरों में भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया। उसने वहाँ पेट भरकर खूब खाना खाया। वापस लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दे दी, जिससे ब्राह्मण रोज उसका दूध पी सके। अब ब्राह्मण बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में तीन ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया। अब तीनों ठगों ने ब्राह्मण से बकरी को ठगने का योजना बना लिया और तीनों ठग थोड़ी थोड़ी दूर पर रास्ते में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाई, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर एक गधे को लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह ठग को भला बुरा कहते हुए आगे की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी चलने पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उस ठग ने गंभीर स्वर में ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर रख कर ले जा रहे हैं? अब ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, यह बकरी है, गधा नहीं। महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है, उसने बकरी की जगह आपको गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी चलने पर उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आप कहे तो मैं इसे आपके घर तक छोड़कर आ जाता हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएगा। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इस गधे को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और गुस्से में कहा, अरे भाई, यह गधा नहीं है, बकरी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है, उसने बकरी की जगह आपको गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तभी उसने ठग से कहा, सुनो भाई, एक काम करो, यह गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम इसे रख लो। अब तीसरे ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। इस कहानी से सीख, किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कहानी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जादुई गुफा। एक गांव में मोहन और सुनील नाम के दोस्त रहते थे। मोहन बहुत ही गरीब था। वह गाँव के ग्वाला मुनीलाल की घर की बकरियाँ चरा कर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ईमानदार और भोला भाला इंसान था, जबकि सुनील बहुत अमीर था। वह स्वभाव से लालची और दुष्ट इंसान था। बहुत बड़ा व्यापार और पैसा होने के बावजूद भी उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, मोहन बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए गया। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि एक बकरी कम है। वह घबरा गया। अगर मालिक को पता चलेगा तो पूरी महीने का तनख्वाह काट लेंगे और इस काम से भी निकाल देंगे। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने सोचा, पहले सभी बकरियों को घर ले चलता हूँ, फिर दोबारा आकर उस बकरी को ढूंढूंगा। मोहन ने ऐसा ही किया। वह बाकी सभी बकरियों को घर छोड़कर वापस जंगल में उस बकरी को ढूंढने आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आया। मोहन ने बूढ़ा आदमी से पूछा, बाबा, आपने इस तरफ काला रंग के बकरी को आते हुए देखा है क्या? बेटा, मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया,
अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो दे दो। मोहन के पास थोड़ा सा खाना था। वह दोपहर में खाना लेकर ही बकरियां चराने जाता था। उसने सोचा, अगर खाना इस बाबा को दे देता हूँ तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, लाओ खाना मुझे दे दो, तुम घर जाकर खाना खा लेना। मोहन निकला दयालु, उसे बाबा पर दया आई और खाना बाबा को दे दिया। बाबा खाना खाने लगा। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। मोहन और आगे उस घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। फिर उसे एक गुफा नजर आई। वह गुफा में चला गया। आज रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी, यहीं पर लेट जाता हूँ। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता तो उसे खाकर सो जाता। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी बढ़ता जा रहा है, अब क्या करूं? इतना बोलते ही उसके सामने खाना आ गया। वह खाना देखकर बहुत खुश हुआ और उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वह सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। फिर उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती तो उसे ओढ़कर आराम से सो जाता। ठंड से नींद भी नहीं आती, अब क्या करूं? तभी उसके सामने चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह जादुई गुफा है। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाती। अगर बकरी नहीं मिला तो मालिक मेरा पूरा महीना के तनख्वाह काट लेंगे और काम से भी निकाल देंगे। इतना कहते ही बाहर से बकरी आती हुई उसे दिखाई पड़ती है। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर जाने लगा। जाते जाते उसने वह चादर उस बूढ़े आदमी को दे दी जिसने मोहन को उस घाटी का रास्ता बताया था। घर पहुंचकर मोहन ने अपने दोस्त सुनील को जादुई गुफा के बारे में बताई। सारी बातें सुनकर सुनील ने सोचा, मोहन कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर आ गया। सुनील बड़ा ही लालची था। उसने उस गुफा में जाने को सोचा। उसने मोहन से गुफा के रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उसे वही बूढ़ा आदमी नजर आया। सुनील ने बूढ़ा आदमी से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा, घाटी का गुफा यहाँ से किधर है? बेटा, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है। तुम मुझे खाना दे दो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। यदि खाना तुमको दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? बूढ़ा आदमी को लगा कि यह लालची इंसान है, देखने में अमीर खानदान से है, फिर भी इसमें लालच भरा है। उसने सुनील को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दो जिससे मैं जिंदगी भर भी न गिन सकूं। फिर कुछ देर बाद खजाना निकलने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। सुनील खजाने को गिनने में मगन हो गया। उसको पता भी नहीं चला कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। कुछ देर में गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में सुनील उस खजाने में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक बुरी बला है, जिस तरह सुनील ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जादुई दीपक और लालची किसान। रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह थोड़ी सी जमीन में खेती करके घर का खर्चा अच्छे से चला लेता था। किसान बहुत ही लालची था। एक बार रतनपुर गांव में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। जब किसान को उस संत के चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह संत को अपने घर पर आमंत्रित किया। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव बाबा, आज आप मेरे घर चलिए, आपके चरण पड़ते ही मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। किसान संत को अपने घर ले गया और संत को अच्छे से सेवा सत्कार किया। पुत्र, मुझे इस गांव में 2 दिन हो चुके हैं, अब मैं दूसरे गांव में जाना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब चलता हूँ। जी बाबा। संत ने किसान की सेवा से खुश होकर किसान को 4 दीपक दिया और बोला, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना,
और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ पर दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। पुनः तुम्हें और धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा में चलते जाना। जहाँ पर दीपक बुझ जाए तो वहाँ से धन निकाल लेना। धन की आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोदकर धन निकाल लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा बचता है, किंतु तुम्हें उस दीपक को जलाना है ना उस दिशा में जाना है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर संत उस गांव से दूसरे गांव के लिए चल पड़ता है। संत को जाने के बाद किसान अपने घर आता है। घर आते ही उसके मन में लोभ लालच जाग उठता है। उसने तुरंत पहला दीपक को जलाया और धन की तलाश में पूरब दिशा में चल पड़ा। जाते जाते कुछ दूर पर दीपक बुझ गया। ओ, दीपक बुझ गया। संत के कहने के अनुसार इस जगह पर खुदाई करता हूँ, यही पर खजाना होगा। लालची किसान उस जगह पर खुदाई करने लगा। वहाँ पर उसे एक सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका मिला। किसान मटके को देखकर बहुत खुश हुआ। इस मटके को यहीं पे छुपा देता हूँ और दूसरे दिशाओं के धन को भी प्राप्त कर लेता हूँ, फिर सभी धन को एक ही साथ घर ले जाऊंगा। किसान मटके को उसी स्थान पर छुपा देता है। अब किसान के मन में और अधिक लालच होने लगा। वह दूसरे दीपक को जलाया और पश्चिम दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर नदी के किनारे दीपक बुझ गया। फिर किसान वहाँ पर खुदाई करने लगा। वहाँ पर उसे एक सोने से भरा हुआ संदूक मिला। फिर उसने कहा, इस बक्से को यहीं पर छुपा देता हूँ, अगली धन को देखता हूँ, लौटते वक्त इसे साथ ले जाऊंगा। किसान संदूक को वहीं पर छुपा दिया और तीसरी दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर जंगल के किनारे दीपक बुझ गया। फिर किसान वहां पर खोदने लगा। खोदते खोदते उसे एक हीरे से भरा हुआ मटका मिला। किसान हीरे का मटका देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इतना धन से भी उसे संतुष्टि नहीं हुआ। वह अपने लालच में आकर सोचने लगा, चौथे दीपक को जलाकर देखता हूँ, शायद इस दीपक से अत्यधिक धन प्राप्त होगा। इसीलिए संत ने इस दीपक को जलाने के लिए नहीं कहा है। सारा खजाना को प्राप्त कर जिंदगी भर ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा। फिर लालची किसान ने चौथे दीपक को जलाया और उत्तर दिशा में चलने लगा। चलते चलते वह एक गुफा के सामने पहुंच गया। वहीं पर दीपक बुझ गया। फिर किसान गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे हीरे मोतियों का खजाना पड़ा हुआ था। वह बहुत खुश हुआ और कहा, आगे चलकर देखता हूँ, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, लगता है इससे भी बड़ा खजाना आगे है। लालची किसान गुफा के अंदर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस चक्की को चला रहा था। फिर लालची किसान ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप इस गुफा में क्या कर रहे हो? बेटा क्या तुम चक्की चलाओगे? मैं थोड़े देर के लिए विश्राम कर लेता हूँ, फिर तुम्हें मैं पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और कैसे इस गुफा में पहुँचा। लोभी किसान ने सोचा, इस व्यक्ति की बात मान लेता हूँ, फिर कुछ देर में इससे पूछूंगा कि खजाना इस गुफा में कहाँ कहाँ है। किसान ने उस बूढ़े आदमी की बात मानकर चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर किसान ने उससे पूछा, बाबा आप इतना क्यों हंस रहे हो? यह कहकर लालची किसान ने चक्की को बंद करने लगा। इस पर बूढ़े आदमी ने बोला, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये गुफा भी तेरा, यहाँ पर बहुत सारे खजाने हैं, जिधर भी देखो खजाना ही खजाना, इस गुफा पर अब तेरा अधिकार है और साथ में इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें हर समय चलाते रहना है, अगर तुमने चक्की बंद किया तो यह गुफा खजाने से भर जाएगा और तुम इस खजाने में दबकर मर जाएगा। संत की बात न मानकर लोभ में आखिरी दीपक जलाकर मैं भी इस गुफा में पहुंच गया था, तब से मैं यहाँ पर चक्की चला रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन इस चक्की को चलाने में बीत गया। फिर बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से लालची किसान चिल्लाया, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक कोई भी व्यक्ति
हम लोगों के तरह लोभ में अंधा होकर यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़े आदमी वहाँ से चल देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच एक बुरी बला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक साधु घने जंगल से होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा, अरे बाप रे, मरना तो है ही, क्यों न बचने का कोई उपाय करके देखूं। फिर साधु ने बाघ के पास आते ही दोनों हाथ ऊपर करके नाचना शुरू कर दिया। बाघ यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का ही भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे एक बाघ और चाहिए था। मैं उसी की तलाश में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन घबरा गया और डर गया। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ, यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो, देखो भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे वाली झोली बाघ के मुंह के पास लाकर बाघ से बोला, देखो इस झोली में ध्यान लगाकर, यह रहा पहले वाला बाघ और दूसरे वाले बाघ तुम मिल गए हो। बाघ साधु के पास आया और उसने जैसे ही झोली के ऊपर देखा, उसे शीशे में अपने ही शक्ल दिखाई दी। इसके बाद वह गुरगुराया तो शीशे वाला बाघ भी उसे गुरगुराता हुआ दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। फिर वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। फिर वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा सिंह के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और फिर वह बोला, अरे मूर्ख, तुम सब कायर हो, भला कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघ का राजा दूसरे सभी बाघों के साथ साधु को खोजने जंगल में चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। फिर साधु ने लकड़हारे से कहा, देखो लकड़हारा भाई, इस जंगल से अभी निकलो, इस जंगल में बाघ है, मैं अभी उस बाघ से अपनी जान बचाकर भागा हूँ, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तभी बाघों का सरदार वहाँ पहुँच गया। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। और जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है, एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, चलो सरदार यहाँ से भाग चलते हैं। मैं इनसे नहीं डरता, तुम सब लोग इस पेड़ के चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं अभी पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। फिर अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काटा। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा। जब साधु ने उसे नीचे गिरते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाया और बोला, अरे लकड़हारा, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो वह फिर से भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। फिर वह उल्टा पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसके साथ भागने लगे और अपनी गुफा में पहुंच गए।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग और बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कहानी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक गाँव में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में दो बेटे थे, बड़ा बेटा ललन और छोटे बेटे का नाम बबन था। रामलाल के बेटों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी रहते थे। वे सभी एक ही परिवार में हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन अचानक रामलाल सेठ की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन बाद रामलाल सेठ के दोनों बेटे एक परिवार से अलग अलग हो गए और अलग अलग रहने लगे। बड़ा भाई ललन बड़ा ही लालची था और छोटा भाई बबन सीधा साधा और भोला इंसान था। पिता की मृत्यु के बाद ललन ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने बबन को फूटी कौड़ी तक नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। उसने छोटे भाई बबन की संपत्ति हड़प कर ऐसो आराम का जीवन गुजारने लगा और पिता रामलाल के तरह उस गांव का सेठ बन गया। इधर बबन और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहे थे। छोटे मोटे काम करके वह दो वक्त के रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह अपनी गरीबी के कारण हमेशा चिंता में डूबा रहता था। एक दिन अचानक बबन के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बच्चे को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करा सकता था। बच्चे की खराब हालत देखकर उसकी पत्नी बोली, ए जी, बड़े भैया के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए, हम कुछ ही दिन में सारा पैसा लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी बड़े भैया के पास जाता हूँ। बड़े भैया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरा मुनिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना है। दो कौड़ी का आदमी, तुझे तेरा हिस्सा तो दे दिया है, फिर यहाँ क्यों आया? चल जा, मेरे पास पैसे नहीं है। बबन दुखी होकर घर वापस लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे का इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास लकड़ी का गठर था। बबन ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद करूं, तो शायद मुझे कुछ पैसे दे देगी। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा जी, क्या मैं ये लकड़ी का गठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है बेटा, तुम ले चलो। बबन ने लकड़ी का गठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने बच्चे को इलाज करा पाता। बबन अब भी उदास था और चिंतित था। उसे दुखी देखकर बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी बेटी का तबीयत दो दिनों से खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसे अस्पताल में ले जा सकूं, और घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी पत्नी दो दिनों से भूखी है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने घर से मीठी रोटी लेकर आई और बबन को देते हुए बोली, ये मीठी रोटी लेकर जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक मोटा सा पेड़ दिखेंगे, उसके सामने एक छोटा सा गुफा है जिसमें एक आदमखोर इंसान रहता है, उसे मीठी रोटी बहुत पसंद है, तुम ये रोटी उसे दे देना और रोटी के बदले उससे पत्थर की चक्की मांग लेना, चक्की मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी जा रहा हूँ। बबन मीठी रोटी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने के बाद उसे एक मोटा सा पेड़ दिखाई पड़ा, उसके सामने एक गुफा था। वह गुफा के अंदर गया, देखा कि आदमखोर इंसान बैठा हुआ था। जब आदमखोर इंसान का नजर बबन पर पड़ा तो वह गुस्से में आकर बोला, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे गुफा में घुस गए? बबन मीठी रोटी दिखाते हुए बोला, मैं आपके लिए मीठी रोटी लेकर आया हूँ। मीठी रोटी देखकर आदमखोर इंसान का गुस्सा छू मंतर हो गया और बोला, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटी लेकर आए हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से ये रोटी मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो चाहोगे मांग लेना, हम दे देंगे। ठीक है, आप मुझे रोटी के बदले
पत्थर के चक्की दे दीजिए। आदमखोर इंसान ने खुशी खुशी उसे पत्थर की चक्की दे दी और बबन चक्की को लेकर जाने को हुआ, तभी आदमखोर इंसान ने बोला, सुनो भाई, ये कोई मामूली चक्की नहीं है बल्कि जादुई चक्की है। इसे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। बबन उस चक्की को लेकर घर आ गया। घर आकर देखा तो उसके बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही थी और पत्नी उदास बैठी थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और दोनों जमीन पर चक्की लेकर बैठ गए और बोले, चक्की चक्की हमें पैसे दो। देखते ही देखते जादुई चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। फिर तुरंत बबन ने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया और चक्की रुक गई। फिर बारी बारी से बबन ने चक्की से चावल, दाल, गेहूं और जरूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन उसने अपने बच्चे को इलाज कराया और पत्नी बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब बबन जादुई चक्की से अपनी जरूरत अनुसार सारा कुछ मांगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब उसके परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव में आलीशान घर बनाया। सचमुच उसके दिन बदल गए थे। जब उसकी अमीरी का चर्चा उसके बड़े भाई ललन तक पहुंचा तो वह जल उठा और कहा, कुछ दिन पहले ये भिखारी था, खाने के लिए लाले पड़े थे, वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? अवश्य इसमें कोई राज है, चल के देखता हूँ। उसी दिन ललन शाम को बबन के घर पहुंचा और खिड़की के पास छुपकर अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि बबन एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा और ललन यह सब देखकर हैरान रह गया। ओ, तो इस चक्की से भिखारी बबन अमीर बन गया, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ललन इस चक्की को चुराकर उसे ढेर सारा धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहां से चला गया। आधी रात होने पर ललन फिर बबन के घर आ गया। सभी लोग सो चुके थे। ललन खिड़की के रास्ते गया और जादुई चक्की को चुराकर वहां से घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी को बोला, जल्दी जल्दी सामान बैग में रखो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी इसी समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बताओ तो सही, क्या बात है, हमें क्यों गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम अभी सामान पैक करो और जल्दी चलो। ललन ने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस गांव से निकल गया। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई बबन को पता न चले कि चक्की उसने चुराई है। चलते चलते रास्ते में उसे एक सागर पड़ा। उसने एक नाविक से नौका खरीद ली और उसमें बैठकर सागर पार करने लगा। उसकी पत्नी से रहा नहीं गया, वह फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि क्या बात है और हम एक चक्की लेकर अपना गांव घर बार छोड़कर कहां जा रहे हैं? ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं है बल्कि जादुई चक्की है, इससे जो मांगो सब देती है। बबन इस जादुई चक्की से ही इतना अमीर बन गया, हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे हम अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांग कर दिखाता हूँ। वह चक्की से बोलता था, चक्की चक्की मुझे नमक दो। फिर क्या, चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी के आंखें फटी सी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। वह ललन से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन ललन को चक्की बंद करना आता नहीं था। नमक निकलता गया और नाव से भर गया। नाव नमक से वजन होने लगा। नाव के साथ ललन और पूरा परिवार गहरी सागर में डूब कर मर गया। उसे अपने लालच का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच, चोरी, दुष्टता और दुष्कर्मों का परिणाम कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। हमें ऐसी बुराई से सदा दूर रहनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।